कि x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू फाइव देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी वे में से सरल करेंगे। किसका मान निकालना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को उस टर्म में लिखना है जिस टर्म में आपको वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यू दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाय एक्स के टर्म में, तो उसी टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू कर देंगे। अगर यहां प्लस रहेगा तो यहां माइनस कर देंगे, यहां माइनस रहेगा तो यहां प्लस कर देंगे। एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, फाइव दिया हुआ है, फाइव का स्क्वायर कर देंगे माइनस टू, फाइव का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव, तो ट्वेंटी फाइव माइनस टू इक्वल टू हो गया ट्वेंटी थ्री। तो करेक्ट आंसर जो होगा ट्वेंटी थ्री, और ट्वेंटी थ्री देखिए तो आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि इफ एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू सिक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। यदि एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू सिक्स दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अभी क्या बताए थे, इसका फॉर्मूला उस टर्म में लिखना है जिस टर्म में आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे उस टर्म में जिस टर्म में आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर आप प्लस कर देंगे टू, अगर यहां माइनस रहेगा तो यहां प्लस कर देंगे, यहां प्लस रहेगा तो यहां माइनस कर देंगे, बस यही अंतर है। एक्स माइनस वन बाय एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया हुआ है सिक्स, तो सिक्स का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस टू, सिक्स का स्क्वायर करेंगे कितना होगा थर्टी सिक्स, तो थर्टी सिक्स प्लस टू टू थर्टी एट, तो करेक्ट आंसर होगा थर्टी एट। और थर्टी एट देखिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि इन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स क्यू बाय वन हंड्रेड इक्वल टू थ्री बाय फाइव देन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इसको बहुत ही इजी वे में बनाए गए हम लोग। तो दिया हुआ है सिंस रूट अंडर वन माइनस एक्स क्यू बाय वन हंड्रेड इक्वल टू थ्री बाय फाइव, तो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट कैसे हटता है, स्क्वायर रूट कैसे हटता है, तो दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो रूट अंडर वन माइनस एक्स क्यू बाय वन हंड्रेड का होल स्क्वायर कर देंगे और थ्री बाय फाइव का होल स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर क्यों किए, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो वन माइनस एक्स क्यू बाय वन हंड्रेड इक्वल टू थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन और फाइव का स्क्वायर करेंगे ट्वेंटी फाइव, दिस इम्प्लाइज इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो वन माइनस नाइन बाय ट्वेंटी फाइव इक्वल टू एक्स क्यू बाय वन हंड्रेड, एलसीएम निकाल देंगे ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन, ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाय वन हंड्रेड, और ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन कर देंगे कितना हो जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा बाय ट्वेंटी फाइव इक्वल टू एक्स क्यू बाय वन हंड्रेड, कटा देंगे पच्चीस कम पच्चीस, पच्चीस चौके सौ, तो एक्स क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स क्यू इंटू वन, तो एक्स क्यू और सिक्सटीन इंटू फोर कर देंगे तो सिक्सटीन फोर या कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर, तो एक्स क्यू इक्वल क्या हो जाएगा फोर का क्यूब हो जाएगा, ये थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू फोर, तो करेक्ट आंसर होगा फोर।
और फोर देखिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। चौथा प्रश्न है कि इन रूट अंडर वन प्लस एक्स बाय नाइन इक्वल टू 13/3 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंस रूट अंडर वन प्लस एक्स बाय नाइन इक्वल टू 13/3 दिया हुआ है, ये गिवन दिया हुआ है, तो अभी आपको बताएं कि स्क्वायर रूट कैसे हटता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो रूट अंडर वन प्लस एक्स बाय नाइन का होल स्क्वायर, तो 13/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो वन प्लस एक्स बाय नाइन इक्वल टू 13 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 169, और 3 का स्क्वायर कर देंगे 3×3=9, तो एक्स बाय नाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 उधर कर देंगे तो क्या जाएगा 169/9-1, तो एक्स बाय नाइन इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 - 9×1=9, अब बाय जो है 9 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 में 9 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 160, तो करेक्ट आंसर होगा आपका 160। और 160 देखिए तो आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि इफ 9√x=√12+√147 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये सारे के सारे जो एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। सिंस 9√x=√12 दिया हुआ है √12+√147, तो दिस इंप्लाइज 9√x=12 को कैसे लिख सकते हैं 23+ और 147 को कैसे लिखेंगे 49×3 करेंगे, 49×3 करेंगे 147, अब 4×3 करेंगे 12 हो जाएगा, तो 9√x और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, और 3 पर रूट रह जाएगा, अब प्लस 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7, तो 7 3 पे रूट रह जाएगा, तो 7√3, तो 7√3 प्लस 2√3 कितना हुआ 9√3, तो 9√3, तो दिस इंप्लाइज 9√x=9√3, 9 कैंसिल जो है 9 कैंसिल, तो √x=√3, √√ कैंसिल हो जाएगा, √√ कैंसिल, तो x=2 कितना हो जाएगा 3, तो करेक्ट आंसर होगा 3। अब 3 देखिए तो आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि a by b equal to c by d equal to a by f equal to 3 then the value of 2a² + 3c² + 4e² / 2b² + 3d² + 4f² equal to। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी आपका एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंस a by b equal to c by d equal to e by f equal to 3 आपको गिवन दिया हुआ है, तो देखिए तो a by b equal to 3, तो this implies a equal to क्या हो जाएगा, a equal to जाएगा 3b, a equal to जाएगा 3b, c by d equal to 3, तो c equal to कितना हो जाएगा 3d, e by f equal to 3, तो e equal to कितना हो जाएगा 3f, अब बताइए a equal to 3b दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 9d² दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे सी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 9d² ई बराबर 3 है दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ई स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 9f² अब आपको इसका मान निकालना है किसका मान निकालना है 2a² + 3c² +
फोर ई स्क्वायर अब बटा जो है टू बी स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर अब प्लस जो है फोर एफ स्क्वायर इक्वल टू टू और ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है देखे तो नाइन बी स्क्वायर तो नाइन बी स्क्वायर प्लस थ्री इंटू सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है नाइन बी स्क्वायर तो नाइन बी स्क्वायर प्लस फोर ई स्क्वायर तो ई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है नाइन एफ स्क्वायर तो नाइन एफ स्क्वायर अब बाय जो है टू बी स्क्वायर थ्री डी स्क्वायर प्लस फोर एफ स्क्वायर क्या करेंगे नाइन सबसे कॉमन ले लेंगे क्या करेंगे नाइन सबसे कॉमन ले लेंगे नाइन कॉमन ले लेंगे सबसे तो क्या बचेगा टू बी स्क्वायर यहां क्या बचेगा थ्री डी स्क्वायर प्लस यहां क्या बचेगा फोर एफ स्क्वायर बचेगा अब बटा जो है टू बी स्क्वायर प्लस थ्री डी स्क्वायर प्लस जो है फोर एफ स्क्वायर कोई दिक्कत है बताइए ये देखिए सेम फील है कैंसिल हो गया इक्वल टू क्या हो गया नाइन तो करेक्ट आंसर होगा नाइन जो है और नाइन देखिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा सातवां प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि एफ प्लस सिक्सटीन बाय एक्स इक्वल टू एट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन बाय एक्स स्क्वायर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर यहां पर किसी संख्या का टू टाइम्स उसी संख्या का यहां स्क्वायर हो तो वह एक्स का मान होता है अब बताइए आठ जो है किसका टू टाइम्स है आठ जो है टू इंटू फोर टू फोर या एक तो फोर का टू टाइम्स है फोर का टू टाइम्स है और सिक्सटीन क्या है फोर का जो है स्क्वायर कहने का मतलब एक्स का मान कितना हो गया फोर हो गया इसके बाद क्या करेंगे इसमें जो है एक्स स्क्वायर बाय सिक्सटीन बाय एक्स स्क्वायर है एक्स का वैल्यू फोर पुट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू फोर पुट कर देंगे तो फोर का स्क्वायर प्लस सिक्सटीन बाय फोर का स्क्वायर कर देंगे फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन अब फोर का स्क्वायर करेंगे कितना होगा सिक्सटीन हो जाएगा सिक्सटीन सिक्सटीन कैंसिल तो 16 प्लस वन इक्वल टू कितना जगह 17 तो करेक्ट आंसर होगा 17 और 17 देखिए तो आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है फिर से समझिए हम क्या बोले अगर यहां पर किसी संख्या का टू टाइम्स उसी संख्या का यहां स्क्वायर हो तो वह एक्स का मान होता है अब बताइए एक जो है किसका टू टाइम्स है तो फोर का टू टाइम्स है यहां पर 4 का स्क्वायर 16 हो गया कहने का मतलब x का मान जो है 4 हो गया इसके बाद क्या करेंगे x का वैल्यू जो है 4 पुट कर देंगे इसके बाद सॉल्व कर देंगे तो x का वैल्यू निकलेगा 17 और 17 किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा दूसरे तरह से देखिए बहुत ही आसान तरीका है x का किस मान के लिए x का कौन सा वैल्यू पुट करें जो 8 हो जाएगा तो अगर एक्स का वैल्यू हम 4 पुट करते हैं तो 16 बाय 4 फोर फोर या 16 4 अब प्लस 4 एक्स का क्या वैल्यू पुट करें जो कि 8 हो जाए तो एक्स का वैल्यू 4 लेंगे तो 4 प्लस 16 बाय 4 तो 16 बाय 4 तो 4 अब प्लस 4 8 करने का मतलब एक्स का मान जो है 4 सेटिस्फाइड करता है फिर क्या करेंगे एक्स का मान जो है 4 पुट कर देंगे x का मान 4 पुट करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 16 बाय 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 16 बाय 4 का स्क्वायर करेंगे 16 16 16 कैंसिल 1 और 16 प्लस 1 कितना जाएगा 17 तो करेक्ट आंसर आपका 17 होगा 17 किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा आठवां प्रश्न आप लोगों के लिए है कि x प्लस 25 बाय x इक्वल टू 10 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा ये प्रश्न आप लोगों के लिए है बना करके आंसर देंगे यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों में शेयर कीजिए
जिन्हें इनका सख्त जरूरत है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।